अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनर्श वर्ल्ड। तो आज मैं बना रही हूँ हेल्दी एंड क्विक ब्रेकफास्ट जिसका नाम है टर्किश पोस्ट एग्स। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए एक कप दही। दही को एक छन्नी में डालकर हाफ एन आवर तक इसे छोड़ देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे और इस तरह स्मूथ बना लेंगे। हमें चाहिए एक लहसुन। हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। वन फोर्थ टीस्पून ब्लैक पेपर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, वन टेबलस्पून हरा धनिया, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम इस तरह से मिलाकर बाजू रख लेंगे। पैन गरम कर लेंगे और वन टेबलस्पून बटर ले लेंगे। लो फ्लेम पर गैस को रखेंगे। वन टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लेंगे और इसे सॉटे करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा मैं टमाटो सॉस ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है। गैस को हम ऑफ कर लेंगे। अंडे को हम इस तरह से एक बोल में ले लेंगे। पैन में हम 3 से 4 कप पानी ले लेंगे। इस तरह के जब बबल्स आए गैस को हम लो फ्लेम पे करेंगे और यानी कि ये बबल्स आना बंद हो जाए तब हम अंडे को इसमें डाल लेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अंडा पकते वक्त हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे वरना ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा। अंडा पक चुका है, बहुत ही एहतियात के साथ हम इसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। पोस्ट एग्स हम इस पर रख लेंगे। अगर आपको अंडे कम पके हुए लग रहे हैं तो आप इसे और थोड़ी देर के लिए पका सकते हो। इसमें हम बनाया हुआ तड़का चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च ले रही हूँ। उसी तरह इसे और भी प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए हरा धनिया ले रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो वरना स्किप कर सकते हो। तो चलिए टर्किश पोस्ट एग्स बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इसे जो बटर टोस्टेड स्लाइसेस होते हैं उसके साथ सर्व कर लूँगी। आप चाहो तो पराठे के साथ भी ले सकते हो, लेकिन टोस्टेड ब्रेड के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड एवरी अपडेट फ्रॉम सनर्श वर्ल्ड। एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलूंगी। एंटिल देन कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।